हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशवाहा प्रॉपर्टी। दोस्तों, इन्वेंट्री अपडेट है और आज हम आपको बताने वाले हैं इन्वेंट्री अपडेट में 3 बेडरूम डुप्लेक्स फ्लैट जो कि आईपी एक्सटेंशन 116 कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, कुछ लिमिटेड ही सोसाइटीज़ के अंदर बने हुए हैं। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला फ्लैट हमने लिया हुआ है आशीर्वाद कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से। आशीर्वाद कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी मधुबिहार के साथ जुड़ी हुई एक काफ़ी नीट एंड क्लीन सोसाइटी है। सोसाइटी कंपाउंड के अंदर मंदिर, पार्क, सोसाइटी के अपने कमर्शियल स्पेस हैं जहाँ से सोसाइटी को रेवेन्यू जनरेट होती है। बैक का जो गेट है उस पर अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल के लिए सुबह से लेकर देर रात तक छोटा गेट खुला होता है और छोटे वाले गेट पे पंकज सेंटर मार्केट, जहां पर मदर डेयरी, बूथ, सब्जियां, बैंक्स, डेली नीड्स की सारी चीज़ें पीछे वाले गेट पे भी अवेलेबल हैं, आगे वाले गेट पे भी अवेलेबल हैं। आगे वाले गेट पे आशीर्वाद के नाम से ही बस स्टैंड मिल जाएगा, साथ ही मधुबिहार की मार्केट। दोस्तों, आशीर्वाद अपार्टमेंट के अंदर 4 बेडरूम और 3 बेडरूम के डुप्लेक्स फ्लैट बने हुए हैं। तो हम बात करेंगे 3rd और 4th फ्लैट पे एक 2 बेडरूम का फ्लैट जो कि मौके पे 3 बेडरूम में कन्वर्ट है। साथ ही अपने को मिलती है एक इंडिविजुअल छत। फ्लैट का जो साइज़ है मौके पे 1250 स्क्वायर फिट। जो फ्लैट ओनर हैं उनकी तरफ से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की डिमांड है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए का आपको 80% लोन किसी भी बैंक से मिल जाएगा। यदि हम बात करें पार्किंग की तो यहाँ पर रिजर्व कार पार्किंग आपको मिलती है, स्लॉट रिजर्व मिलता है, तथा सेकेंड कार के लिए आप सोसाइटी में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से यदि हम बात करें तो काफ़ी ठीक ठीक सी ये डील है। आप इसको देखने का प्रोग्राम सैटरडे संडे बना सकते हैं। दूसरा फ्लैट हमने लिया हुआ है त्रिलोक अपार्टमेंट से। त्रिलोक अपार्टमेंट मधुबिहार गुरुद्वारा से जैसे ही आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अपार्टमेंट के जस्ट बराबर की सोसाइटी है। इस सोसाइटी के अंदर 3 बेडरूम के फ्लैट हैं जिसमें से डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स दोनों तरीके के फ्लैट हैं। अभी चूँकि हम डुप्लेक्स की बात कर रहे हैं तो अपने पास 2nd, 3rd और 4th के यहाँ पर डुप्लेक्स अवेलेबल हैं, जिसमें 2nd और 3rd फ्लोर का जो डुप्लेक्स है 97 स्क्वायर मीटर कवर्ड प्लिंथ एरिया 3 बेडरूम 3 टॉयलेट का फ्लैट अवेलेबल है, रेडी टू शिफ्ट है। इसका हमने पीछे वीडियो भी डाल रखा है, आप वहाँ उसे भी देख सकते हैं। फ्लैट ओनर की तरफ से 95 लाख रुपए की डिमांड है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। सोसाइटी के अंदर 1 गाड़ी की पार्किंग। सेकेंड कार के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सोसाइटी कंपाउंड के अंदर आपको मिलता है पार्क, मंदिर, कम्युनिटी सेंटर हॉल। तो काफ़ी ठीक ठाक सी, वेल मेंटेन्ड, अच्छे मैनेजमेंट की सोसाइटी है। आप इसको भी देखने का प्लान कर सकते हैं। अगला फ्लैट हमने लिया हुआ है मिथिला कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी मिथिला अपार्टमेंट से। मिथिला अपार्टमेंट भी जब मधुबिहार से चंद्र विहार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो पूजा अपार्टमेंट से जस्ट आगे की सोसाइटी है। इस सोसाइटी के बगल में आपका हो गया मैत्री अपार्टमेंट और मैत्री अपार्टमेंट से पहले मीना अपार्टमेंट। तो ये मीना और मैत्री अपार्टमेंट के बीच की सोसाइटी है। सोसाइटी के अंदर डुप्लेक्स फ्लैट्स हैं 3 बेडरूम 3 टॉयलेट के, तथा 2 बेडरूम तथा 1 बेडरूम के फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं 3rd और 4th फ्लोर पे 3 बेडरूम 3 टॉयलेट 115 स्क्वायर फिट ऑन पेपर कवर्ड प्लिंथ एरिया, तथा साथ में अपने को यूज़ करने के लिए इंडिविजुअल छत मिलती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी डील है। यहाँ पर आपको एक रिजर्व कार पार्किंग प्लान कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी डील है। मात्र 1 करोड़ 15 लाख रुपए की डिमांड पे ये डील अवेलेबल है। आप इसको भी देखने का प्लान कर सकते हैं। अगला फ्लैट हमने लिया हुआ है अजंता अपार्टमेंट से। अजंता अपार्टमेंट की जो सोसाइटी है वो वंदना अपार्टमेंट तथा ओरिएंटल अपार्टमेंट के बीच की बनी हुई सोसाइटी है। फ्लैट का जो साइज़ है 99 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर भी आपको मिलने वाली है एक रिजर्व कार पार्किंग। रिजर्व कार पार्किंग के साथ सेकेंड कार के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्लैट कॉर्नर 3 साइड ओपन, सारा काम किया हुआ अवेलेबल है, तथा फ्लैट की जो कीमत है फ्लैट ओनर की तरफ से 1 करोड़ 55 लाख रुपए रखी गई है। आप इसके भी देखने की प्लान कर सकते हैं। 1 करोड़ 55 लाख रुपए का आपको मिलता है यहाँ पे 80% किसी भी सरकारी बैंक से लोन। अजंता अपार्टमेंट की लोकेशन की बात करें तो ये बहुत ही प्राइम और अमेजिंग लोकेशन कही जा सकती है। यहाँ से मेट्रो स्टेशन अगर जाने की बात करें तो चाहे आप आईपीए के जाएं या मंडावली मेट्रो स्टेशन जाएं, मात्र 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। तो ये भी एक अच्छी डील है। फर्स्ट सेकंड का ये डुप्लेक्स है। पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। सोसाइटी के अंदर पार्क,
बच्चों को खेलने का स्पेस तथा सामने की तरफ बड़े पार्क, एवरीथिंग ओके है। आप इसको भी देखने का प्लान कर सकते हैं। अगला फ्लैट हमने लिया हुआ है शिवानी अपार्टमेंट से। शिवानी अपार्टमेंट मधु विहार के ही पैरेलल की लगी हुई सोसाइटी है। इसके जस्ट बराबर में आकृति अपार्टमेंट तथा सामने की तरफ श्री गणेश अपार्टमेंट है। ये भी सबसे डिमांडेड सोसाइटियों में से जो लाइन है उस लाइन पे स्थित है। इस सोसाइटी के अंदर अपने को 92 स्क्वायर मीटर का लगभग कवर्ड प्लिंथ एरिया का फ्लैट मिलता है। सेकेंड और थर्ड फ्लोर पे यहाँ पर ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड थर्ड के सारे ही एक पैरेलल सोसाइटीज़ के फ्लैट्स हैं। यहाँ एक गाड़ी की पार्किंग, सोसाइटी कंपाउंड के अंदर मंदिर। बहुत बड़े प्लॉट पे बनी हुई सोसाइटी नहीं है तो यहाँ पर अपने को पार्किंग का मामला थोड़ा सा टाइट लगा नज़र आता है। उसके हिसाब से देखा जाए तो लोकेशन वाइज सोसाइटी काफ़ी अच्छी है। इसमें अपने को 1,15,00,000 रुपये की डिमांड पर अच्छा काम किया हुआ सेकेंड और थर्ड फ्लोर का 2 टॉयलेट के साथ डुप्लेक्स मिलता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। यहाँ पर भी अपने को किसी भी बैंक से 80% लोन मिलता है। आप इसको भी देखने का प्लान कर सकते हैं। अगला फ्लैट हमने लिया हुआ है ग्राउंड फर्स्ट का डुप्लेक्स ककातिया अपार्टमेंट। ककातिया अपार्टमेंट की अगर आप बात करें तो यूनेस्को अपार्टमेंट के ठीक सामने तथा मयूर ध्वज अपार्टमेंट के जस्ट पैरेलल की सोसाइटी है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे प्लॉट है ककातिया अपार्टमेंट का। इसमें फर्स्ट सेकंड का लगभग 1250 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम का डुप्लेक्स अपने को मिलता है, जिसके अंदर 2 टॉयलेट हैं। आप प्लान कर सकते हैं एक गाड़ी के पार्किंग। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। फ्लैट ओनर की तरफ से 1,20,00,000 रुपये की डिमांड है। यदि हम बात करें सोसाइटी के अंदर तो कम्युनिटी सेंटर, हॉल, मंदिर, वेल मेंटेन्ड पार्क, लगभग सारी चीज़ें अपने को इस सोसाइटी के अंदर मिलती हैं। दोस्तों इस तरीके से अभी तक हमने आपको 6 फ्लैट बताए हैं जो कि सारे ही डुप्लेक्स हैं और आईपी एक्सटेंशन को अगर हम कंपेयर करें तो पिछले 2 साल के अंदर रेट बढ़े हुए हैं। उनको ध्यान रखते हुए इन सोसाइटी फ्लैट्स के अंदर कोई ज़्यादा अभी रेटों में फ़र्क नहीं पड़ा है। आप एक बारी प्लान कर सकते हैं। चाबियों का अरेंजमेंट है, हम दिखवा देंगे। साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं हमारे वीडियोस से आप लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट एनालाइज करते हैं, सीख रहे हैं। इन सभी चीज़ों के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।